नमस्कार जय जोहार छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है चलिए देखते हैं आज की पंद्रह फटाफट बड़ी खबरों को आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी छत्तीसगढ़ में एक नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा होने के साथ आचार संहिता प्रभावशील हो गई है इन सब के बीच कोरबा जिले में धान खरीदी का काम भी होना है प्राथमिक तैयारी काफी समय से चल रही है जानकारी के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय करने के लिए किसानों का पंजीकरण इस महीने के अंत तक किया जाएगा आचार संहिता लगने से पहले ही राज्य सरकार के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई लिहाजा एक नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हो जाएगी नमक और चने के पैकेटों पर सीएम भूपेश की फोटो बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला चुनाव आयोग के नियम अनुसार शहरों से जनप्रतिनिधियों के पोस्टर बैनर तो हटा दिए लेकिन राशन दुकानों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री, मंत्री अमरजीत भगत के फोटो लगे खाद्य पदार्थ जैसे नमक के पैकेट और चने के पैकेट को जनता को दिए जा रहे हैं जिसकी शिकायत भाजपा ने चुनाव आयोग से की है दरअसल यह मामला सरगुजा संभाग का बताया जा रहा है रविशंकर प्रसाद के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने दिया जवाब रविशंकर प्रसाद के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि भाजपा दिल्ली से अपने कथित दिग्गजों को बुला रही है और छत्तीसगढ़ के बारे में उल जलूल बयान दिलवा रही है वे बिना जानकारी अगड़म बगड़म कुछ भी बोले जा रहे हैं अरे भैया महादेव ऐप के बारे में बोलना है तो पहले अपनी ईडी से तो पूछ लो की जांच किसने शुरू की छत्तीसगढ़ पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करके जांच शुरू की छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए आपने जारी की तीसरी लिस्ट छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बच चुका है प्रदेश में होने वाले अगले महीने यानी नवंबर की सात तारीख को पहले चरण के वोट डाले जाएंगे इसे देखते हुए पार्टियां अब अपने उम्मीदवारों की सूची बनाने और जारी करने में जुट गई इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी अपनी इस तीसरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने ग्यारह विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है इसराइल जंग के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान इसराइल ने गाजा पट्टी से इस्लामिक आतंकी संगठन को जड़ से मिटाने की कसम खाई इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दुनिया आज जो संघर्ष और टकराव का सामना कर रही है उससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा बल्कि दुनिया को मानव केंद्रित रुख के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है छत्तीसगढ़ चुनाव में 24 नेताओं को मिली Z और X श्रेणी की सुरक्षा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 24 स्थानीय नेताओं का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को Z और अन्य 23 नेताओं को X श्रेणी की सुरक्षा दिसंबर तक दी जाएगी विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया था उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है छत्तीसगढ़ में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी किए चरण के साथ शुरू हो गई इसके साथ ही विधानसभा की 20 सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने की शुरुआत हो गई है इस चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है नामांकन पत्रों की जांच 26 अक्टूबर को की जाएगी और तेईस अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं रेल यात्रियों की बड़ी परेशानी छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 25 ट्रेनें रद्द छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें लगातार रद्द की जा रही है इसी कड़ी में आज रायपुर से जाने वाली तकरीबन 25 ट्रेनें रद्द कर दी गई है रेलवे विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नागपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले आमगांव रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ा जा रहा है इससे ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी अब गुंडे बदमाशों की खैर नहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है इसलिए आपराधिक मामलों और बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए गुंडे बदमाशों के ऊपर पुलिस की पैनी नजर है इसके साथ ही बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है बदमाशों के ठिकानों पर नजर रखी जा रही है इस दौरान पुलिस ने डेढ़ सौ अधिक गुंडे बदमाशों को पुलिस थाना लाकर उनकी परेड ली है इसके साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने की समझाइश दी है पीएम मोदी जल्द करेंगे रैपिडएक्स एक्स लॉन्च रैपिडएक्स एक्स में सफर करने वाले यात्रियों को सभी जानकारी उनके मोबाइल पर ही मिल जाएगी परिवहन निगम ने रैपिडएक्स एक्स कनेक्ट नाम से ऐप बनाया है इसके जरिए यात्री टिकट बुक करने सामान खोने की शिकायत करने स्टेशन पर मिलने वाली सुविधा समेत सभी तरह की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं निगम के अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी जल्द इस ऐप को लॉन्च करेंगे विधानसभा चुनाव का बजट 300 करोड़ के पार जाने की संभावना इस बार विधानसभा चुनाव का बजट 300 करोड़ से ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है पिछली बार विधानसभा चुनाव में करीबन 250 करोड़ रुपए खर्च हुए थे पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 16 फीसदी खर्च बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है बता दें कि चुनावी खर्च में हर बार कई फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है साल 2013 के चुनाव में चुनावी खर्च एक करोड़ बानवे लाख रुपए था वहीं 2019 में करीब 260 करोड़ का बजट था मशहूर भरतरी गायिका अमृता बाल्ले का, का निधन पैंसठ साल की उम्र में ली अंतिम सांस छत्तीसगढ़ में भरतरी को देश भर में पहचान दिलाने वाली मशहूर कलाकार अमृता बालले का, का निधन हो गया उन्होंने दुर्ग शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली अमृता बाले पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी सीएम भूपेश ने ट्वीट कर बालले के निधन पर दुख जताया है दिव्यांग मतदाता नहीं चलेंगे चल पैदल बूथ तक पहुँचने मिलेगा वाहन दिव्यांग मतदाताओं को बूथ तक जाने के लिए अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा बल्कि उनकी मांगों के बाद उन्हें परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी प्रदेश में कुल एक लाख इकसठ हजार दिव्यांग मतदाता है केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक चालीस तक दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधा मिलेगी लेकिन यदि वे बूथ तक आना चाहे तो उनकी मांग के बाद वाहन उपलब्ध कराया जाएगा छत्तीसगढ़ में आई और आई ऑफिसर्स का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से दो आई अधिकारियों का तबादला किया गया इसके साथ ही एक आई अधिकारी को एक्स्ट्रा चार्ज देने की खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया इस आदेश के तहत के अवनीश चरण को बिलासपुर का कलेक्टर नियुक्त किया गया जबकि कार्तिकेय गोयल को रायगढ़ का कलेक्टर बनाया गया है छत्तीसगढ़ में अगले चार दिनों तक तापमान में नहीं होगा बदलाव छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा बीते दिनों से प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ रही है उमस से लोग काफी परेशान हैं राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है प्रदेश में अचानक मौसम में बदलाव आएगा और जमकर बदरा बरसेगा इससे लोगों की उमस से राहत मिलेगी ये तो थी आज की बड़ी खबरें डेली खबरों ऐसी अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद